सबसे पहले यहाँ पे आता है ह्यूमन मेज लर्निंग, ठीक है। ह्यूमन मेज की बात आती है पहले तो, कि ह्यूमन मेज क्या है, इसको ह्यूमन मेज लर्निंग क्यों बोला जाता है। तो मेज जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं मानव भूल भुलैया, ठीक है, मानव भूल भुलैया बोला जाता है। अब मेज मतलब भूल भुलैया ही है। तो आप हम लोग जो है बहुत सारे हम लोग गेम खेलते हैं, बचपन से खेलते आ रहे हैं, न्यूज पेपर में, मैगजीन में, जिसमें हम लोग रास्ता ढूंढते हुए जो है सही रास्ते पे पहुंचते हैं, तो वो मेज होता है। उसी मेज को प्रयोग करते हुए जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वो ह्यूमन मेज लर्निंग के एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन मेज इसलिए कहा गया है क्योंकि शुरुआती दौर में जब लर्निंग के एक्सपेरिमेंट हुए थे वहां पे पशुओं का यूज ज्यादा किया गया था। जैसे चूहे पे एक्सपेरिमेंट्स काफी हुए थे, तो चूहों पे लर्निंग के एक्सपेरिमेंट काफी रहे हैं, तो वो पशुओं पे किए जाते थे, मानव को यूज नहीं किया जाता था वहां पे। लेकिन फिर उसको धीरे धीरे अपग्रेड करके, क्योंकि जो एनिमल्स हैं या उनको उनको इस तरह से प्रयोग करना भी धीरे धीरे सही नहीं माना जाता है, हालांकि फिर भी जो शुरुआती दौर के जो प्रयोग होते हैं पशुओं पे ही होते हैं। तो अब जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं इसमें हम खुद से या मानव किसी जो सब्जेक्ट है ह्यूमन सब्जेक्ट को लेते हुए इस प्रयोग को करते हैं, इसलिए इसको ह्यूमन मेज बना है, क्योंकि ह्यूमन के लिए ही बना हुआ है। और लर्निंग का एक्सपेरिमेंट है इसलिए इसको ह्यूमन मेज लर्निंग बोला जाता है। तो ये हो गई प्रैक्टिकल की बात। अब इसका जो अपैरेटस है वो लगभग लगभग सेम से होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है इनके अपैरेटस में। अलग अलग तरीके के ह्यूमन मेज लर्निंग के अपैरेटस होते हैं। यहाँ पे जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है आपका इस पे बेस्ड, डॉक्टर विवेक भार्गवा द्वारा बनाया गया है मैनुअल, इसका उन्हीं का बनाया हुआ अपैरेटस है और उन्हीं का बनाया हुआ मैनुअल है, इसको हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन से लिया हुआ, डॉक्टर विवेक भार्गव द्वारा बनाया हुआ। इसके अलावा और भी तरह के अपेरेटस हैं जो लगभग सिमिलर मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मैनुअल यूज होते हैं उनमें। तो आप अगर आपके पास कोई और मैं अपेरेटस आवाज होता है आ रही। तो आप वो भी करके देख सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट है, अगर आप अपनी स्टडी सेंटर में जाके या कहीं पे जाके करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम आपको यहाँ पे जो मेथड बताएंगे उसके अलावा जो एक रफ डेटा आपको देंगे उसके बेस पे आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये जो डायग्राम्स देख रहे हैं साइड में, एक आपको इस साइड में दिख रहा है राइट साइड में जहाँ पे मेरा कर्सर है, और एक आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ये दोनों मेज हैं अलग अलग तरीके की। राइट साइड में है वो थोड़ा सिंपल तरीके का मेज है जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड यूज नहीं होता है, और जो लेफ्ट साइड में है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो मेज है, उसमें रास्ता बना नहीं होता है पहले से, फिर रास्ता उसमें ढूंढना होता है। तो क्या आप में से कोई ऐसे हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट रहा है जिसने ये प्रैक्टिकल पहले किया हुआ है, नो मैम, बीएड वगैरह का नहीं किया? नो बीएड में था नहीं मैम हमारे ये वाला। अच्छा, नहीं था तो ठीक है, फिर अगर किसी ने किया है तो हो सकता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से पहले से उसको जानता हो। तो ठीक है, फिर हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लर्निंग की, लर्निंग क्या होता है। अभी हम इंस्ट्रूमेंट की बात फिर करेंगे कि किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कैसे यूज होते हैं। सबसे पहले बात आती है लर्निंग की। तो लर्निंग कोई नई चीज नहीं है, हम सभी जानते हैं लर्निंग को, किसी से भी पूछो तो। लेकिन यह होता है कि उसको डिफाइन करना थोड़ा सा टफ रहता है। लर्निंग में हम ज्यादातर पढ़ाई की चीजें, पढ़ना लिखना ये सब चीजों को जोड़ के चलते हैं, लेकिन लर्निंग सिर्फ वर्बल तो होती नहीं है, लर्निंग किसी भी तरीके से हो सकती है। मतलब हम कहते हैं कि हम हर पल हर क्षण सीखते हैं कुछ ना कुछ, है ना। अभी भी हम कुछ सीख रहे हैं, हर मिनट में हम कुछ नया सीखते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक तरीके की। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो सिंपल वे में इसको कहा नहीं जाता है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे दो तीन चीजें आ रही है, एक आ रहा है रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, दूसरा वो एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के कारण आता है। तो अब हिंदी में इसको बोलेंगे कि अभ्यास या फिर अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ऐसे कह सकते हैं इसको आप, कि जो परिवर्तन होता है व्यवहार में वो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए चेंज हुआ, 5 मिनट के लिए चेंज हुआ, फिर से वही स्थिति आ गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम थोड़ा स्थायी होना चाहिए वो, और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के कारण वो चेंज होता है, उसके बिना नहीं होता है, ठीक है। तो कई बार कुछ और भी केसेस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपकी लर्निंग। तो लर्निंग हमेशा क्या करती है, एक चेंज की ओर ले जाती है हमें। इट इज अ प्रोसेस दैट लेड्स टू चेंज, जो हमें चेंज की ओर ले जाती है। तो इसमें जो आप एक प्रोसेस देख रहे हैं इस तरीके से फॉलो होती है। सबसे पहले इनिशियल बिहेवियर होता है, उसके बाद आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उससे आपको प्रैक्टिस करते हैं आप उसकी, या आप कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, और उसके बाद आपके बिहेवियर में कुछ चेंज हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग, की लर्निंग क्या है। अब इसकी कुछ विशेषताओं को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले कहा कि लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस है ये हम सब जानते हैं कि बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब से उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है और मरने तक की लर्निंग चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग
सिर्फ बचपन में हुई जब हमने उठना बैठना खाना पीना सीखा फिर बंद है, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि पढ़ने की भी हम बात कर रहे हैं तो आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं कि जो जो एज आपकी पढ़ने की होती है वहां तो आप पढ़ ही रहे होते हैं, तो एज तो होती नहीं, खैर, लेकिन फिर भी एक सोसाइटल डिफाइंड जो एज होती है कि आपको कॉलेज स्तर तक पढ़ना है फिर उसके बाद नौकरी करनी है। लेकिन आज यहीं पे एग्जाम्पल देख लीजिए, कितने सारे सीनियर्स लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग पढ़ने के इच्छुक हैं। तो लर्निंग, पढ़ाई वाली लर्निंग भी हम करते रहते हैं, उसके अलावा हमारी जो लाइफ बिहेवियर्स से रिलेटेड जो हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है वो हम करते रहते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। स्टेप वाइज इसलिए होती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज सीखनी है तो डायरेक्ट हम जंप करके वो सीख लेते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। जैसे बच्चा कोई साइकिल चलाना सीखता है तो बच्चे को पहले साइकिल देखता है, वो साइकिल का हैंडल है, ये उसका पैडल है, ये उसकी सीट है, ये करियर है, आगे मतलब उसमें कैसे ये चलेगा, कैसे ब्रेक लगेंगे, ये सब देखता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके वो चढ़ता है उसमें, फिर धीरे धीरे चलाना सीखता है, और जब चलाने लग जाता है तो उसके बाद तो फिर स्टैंड करना भी शुरू कर देते हैं बच्चे उसमें नए नए। तो स्टेप वाइज वो नई नई चीजें सीखते रहते हैं, इसलिए हम उसको स्टेप वाइज प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद इंडिविजुअल एंड सोशल, ये भी जो लर्निंग होती है वो दोनों तरह की होती है। आप अकेले भी वो चीजें सीखते हैं, आप अपने लिए कुछ चीज नई चीज सीखना चाह रहे हैं, आपकी आपका मतलब मन है कुछ सीखने का, आप इंडिविजुअल तौर पर उस चीज को सीखते हैं। उसके अलावा सोसाइटी से भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, और सोशल मतलब कि ग्रुप में भी सीखते हैं या सोसाइटी से भी सीखते हैं, तो उसको सोशल भी कहा गया है। उसके अलावा जनरली पर्पजफुल होती है लर्निंग। पर्पजफुल कैसे, कि हमारे पास कुछ पर्पज होता है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, उसके ही रिगार्डिंग हम लर्निंग करते हैं, तो इट इज पर्पज हम कहते हैं। कि बिना पर्पस की भी हम हमेशा लर्निंग नहीं कर पाते हैं, कुछ केसेस में हम बिना पर्पस की भी लर्निंग कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट है कि इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होती है, हर कोई हमारा जो आसपास हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे पशु पक्षी हैं चाहे हम हैं, हर कोई लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा चेंज इन बिहेवियर होता है, ये मैंने आपको समझाई दिया। रिलेटिवली स्टेबल होता है, यहाँ पे चेंज इज स्टेबल लिखा हुआ है, इसको आप रिलेटिवली स्टेबल मान के चलिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है वो कम से कम कुछ समय तक चलने वाला होना चाहिए, और ऐसा भी इतना ठोस भी नहीं होना चाहिए कि वो फिर दोबारा चेंज ही नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कभी कोई गलत लर्निंग हो गई। तो अगर वो इतना ठोस होगी लर्निंग, अगर इतनी उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, वो इतना ज्यादा स्टेबल होगी तो वो गलत व्यवहार तो कभी अनलर्न नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिहेवियर की लर्निंग भी होती है, उसकी अनलर्निंग भी होती है, तो इसलिए हम इसको रिलेटिवली स्टेबल बोलते हैं। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल होती है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण, अगर आपने एक मनोविज्ञान में एक प्रयोग होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, जिसमें मिरर के थ्रू हम द्वारा हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को शो करते हैं कि कैसे हम राइट हैंड की लर्निंग को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये एक प्रयोग के थ्रू हम यहाँ मतलब किया भी जाता है, हालांकि आपके उसमें भी नहीं है, लेकिन इससे हम शो करते हैं कि कैसे, या आप अपनी दिनचर्या में भी देख लीजिए, आपने जो आप में से जो लोग राइट हैंड ही होंगे उन्होंने सिर्फ राइट हैंड से लिखना सीखा होगा, बचपन से आज तक आपने राइट हैंड से काम किया, राइट हैंड से लिखा। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखने लगेंगे आज, तो कुछ तो लिख ही लेंगे, भले ही उतना अच्छा नहीं लिखेंगे लेकिन फिर भी कुछ लिख लेते हैं हम। तो हमने तो लेफ्ट हैंड का कभी यूज नहीं किया, लेफ्ट हैंड से कभी पेन नहीं पकड़ी, लेफ्ट हैंड से कभी लिखना नहीं चाहा, सीखा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें लेफ्ट हैंड से लिखना आ गया, हमें पता चल गया कि हमें अ बनाना है तो ऐसे करके बनाना है, जबकि यहाँ से हम ऐसे करके बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ, राइट हैंड से हमारी लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर हो गई है लर्निंग, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, या लर्निंग ट्रांसफर भी होती है। ये लर्निंग की कुछ विशेषताएं, इसके अलावा भी बहुत विशेषताएं होती हैं। अब हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले वर्बल लर्निंग आती है, जो हम आप कर रहे हैं एजुकेशन के थ्रू, जो हम करते हैं वर्बल लर्निंग, जहाँ पे लैंग्वेज का यूज हो रहा है, साइंस का यूज हो रहा है, सिंबल का यूज हो रहा है, वर्बल जहाँ पे भी आपकी चीजें आ रही है, वो सब वर्बल लर्निंग के अंदर आता है। मोटर लर्निंग, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया साइकिलिंग का, इसके अलावा भी जो भी आप मोटर एक्टिविटीज सीखते हैं, दौड़ना उठना बैठना चलना, ये सब आपका मोटर लर्निंग में आ जाता है, इसमें मसल्स का यूज होता है। उसके अलावा हमारी क्लासिकल लर्निंग होती है। क्लासिकल लर्निंग में आपकी जो प्राचीनतम हम लर्निंग मानते हैं कि हम अपना एसोसिएशन बना लेते हैं चीजों से, और वो एसोसिएशन किसी कारणवश बनता है, या तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होता है, मतलब उसमें कॉन्सिक्वेंस आपको कुछ मिले होते हैं तो आप सीख जाते हैं। जैसे बच्चा क्या सीखता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो रो रो के अपनी चीजों को मांगता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज आ जाती है कि अगर मैं रोता हूं तो मुझे ये चीज मिलती है, अगर मैं रोता हूं तो मुझे ये चीज मिलती है, तो एसोसिएशन सीख लेता बच्चा वहां पे, तो इस तरीके से वो लर्निंग उस चीज की कर लेता है। और हम अभी तक आते आते हम क्लासिकल लर्निंग को यूज करते हैं। उसके अलावा एक्सपीरियंसेस पे या कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड भी हमारी लर्निंग होती है, तो क्लासिकल लर्निंग में आ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में हम विभेद करना सीखते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं चीजों का, जैसे कि
आपको अगर आपने अपने मतलब आपकी इंटरेक्शन आपकी आंट से मतलब चाची चाचा से भी आपका इंटरेक्शन है, आपकी मदर से भी इंटरेक्शन है, आपके भाई बहनों से भी इंटरेक्शन है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि हमें आवाज की भी लर्निंग हो जाती है, मेमोरी बैठ जाती है, तो हमें आवाज पता चलती है सबकी. तो डिस्क्रिमिनेशन आप कैसे कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कॉल आता है आपको रैंडम नंबर से, तो आप आवाज से पहचान जाते हैं कि ये उसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप आवाज में करना सीख गए. इसी तरीके से आप अन्य चीजों में भी डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाते हैं कि ये चीज वो है, ये चीज वो है. तो विभेदन करना जब हम सीख जाते हैं, तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंदर रखते हैं. उसके अलावा ऑब्जर्वेशन लर्निंग एक तरीके से कही जाती है, जब हम किसी के मॉडल मॉडलिंग बिहेवियर को सीखते हैं या हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं. मतलब आसपास में आप जब अपने दोस्तों के साथ कोई बच्चा रहता है, तो वो कई सारे व्यवहार उसको घर में नहीं सिखाए जाते, नहीं स्कूल में सिखाए जाते हैं, बट वो दोस्तों से देख देख कर ऑब्जर्व करके सीख लेता है. या फिर हम जो टीवी एक्ट्रेस होते हैं या जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं, उनको देख देख के कई चीजें सीख जाते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में आ जाता है, नॉर्मल है. फिर मेथड्स ऑफ लर्निंग आते हैं. मेथड्स ऑफ लर्निंग में और भी तरीके के मेथड होते हैं, लेकिन ये जो बुक्स में हमारे दिए रहते हैं मोस्टली, उसमें आपका आता है मास एंड स्पेस मेथड, होल एंड पार्ट मेथड, इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल मेथड. मास एंड स्पेस मेथड जो होता है, इसको अविराम या विराम विधि बोलते हैं नॉर्मली. तो अविराम मतलब हो गया कि किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं किसी चीज की, तो आप एक ही साथ कर रहे हैं, मास्ड वे में कर रहे हैं, कोई विराम नहीं दे रहे हैं. और विराम विधि का मतलब होता है कि आप उसमें स्पेस देके कर रहे हैं, ठीक है. उसी तरह से होल एंड पार्ट का होता है, होल एंड पार्ट में मतलब एक चीज को आप एज अ होल पूरा पढ़ रहे हैं, और पार्ट विधि का मतलब होता है कि आप उसके अंश बना के पढ़ रहे हैं. तो मास मेथड और जो होल मेथड होता है, वो हम मानते हैं कि अगर बहुत बड़ा कंटेंट ना हो और उसके अलावा कोई ऐसा कंटेंट हो जिसमें लय की जरूरत हो, एक लय बनाते हुए हमें उसे पढ़ना है, तो हम उसको मास वे में पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से लर्निंग कर पाते हैं. और अगर कोई बहुत बड़ा कंटेंट है और उसमें बहुत ज्यादा लयबद्धता की जरूरत नहीं है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करने की चीज को जरूरत नहीं है, तो हम उसको पार्ट विधि में पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर लर्निंग उसकी मानी जाती है, या इस चीज को लर्न करने के लिए वो माना जाता है. उसके अलावा इंटेंशनल और इंसिडेंटल जो होती है, उसमें क्या होता है, इंटेंशनल में हम कहते हैं कि अगर हम किसी चीज का इंटेंशन मतलब उसको सभी अभिप्राय करते हुए, उसका कहीं से अभिप्राय जो सभी मतलब अभिप्राय उसको जोड़ते हुए, या फिर उसको हम इंटेंशनली समझते हुए अगर याद करते हैं या लर्निंग करते हैं उस चीज की, तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से याद होती है. लेकिन अगर हम किसी चीज को वो नहीं करते हैं, मतलब उसका हम इंटेंशन नहीं बनाते हैं एक, लेकिन उसको हम लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज, ये तो नॉर्मल भी है कि अगर आप देखते हैं कि अगर हम किसी चीज को खुद से इच्छुक इच्छुक होकर अगर हम लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जल्दी वो चीज याद हो जाती है. लेकिन अगर हम उसको खुद से इच्छा ना रखते हुए याद करने का या लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज हमें उतनी बेहतर तरीके से लर्न नहीं होती है, ठीक है. तो यहाँ पे हम जो लर्निंग है, उसमें वो बहुत बड़ा चैप्टर है एक तरीके से, उसमें बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, उनको हम बहुत ज्यादा डीप जाके तो नहीं कवर करेंगे, बट अब तो थोड़ा थोड़ा हम टच करते हुए चलेंगे, ताकि थ्योरी मतलब जो चीजें हैं इसकी क्लियर रहे. कुछ ना कई बार आपको इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछ किए जाते हैं वाइवा के दौरान. तो इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की, क्लासिकल लर्निंग थ्योरी आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी आती है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी आती है, उसके अलावा इनसाइट थ्योरी आती है, और कॉग्निटिव थ्योरी आती है. तो इसको भी एजुकेशन के अगर आप विद्यार्थी रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा पहले. वो क्लासिकल लर्निंग मेथड जो है लर्निंग का, वो काफी पुराना प्राचीन मेथड है, इम्पोर्टेंट मेथड है. नाम भी इसका प्राचीन, जो लर्निंग विधि है प्राचीन, क्या बोलते हैं इसको, अनुबंधन बोलते हैं. अब हम आए थे क्लासिकल लर्निंग में. क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको हम प्राचीन अनुबंधन बोलते हैं, क्लासिकी अनुबंधन भी बोलते हैं, ये जो सिद्धांत था लर्निंग का, जो ये थ्योरी थी, ये पैवलोव ने दी है, पैवलोव के नाम से प्रचलित है. पैवलोव जो थे वो पहले फिजिशियन रहे थे, लेकिन उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद उन्होंने इस तरह का जो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग कैसे होती है, इसकी थ्योरी हमारे सामने रखी, जिसको क्लासिकल लर्निंग थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है. अब पैवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरीके था. पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ. उन्होंने एक जो कुत्ता था उस पर एक्सपेरिमेंट किया. उस कुत्ते को उन्होंने, आपने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट था, तो ये कंट्रोल कंडीशन में था. तो कंट्रोल कंडीशन में कैसे पैवलोव ने इस डॉग को कंडीशन सॉरी कंट्रोल किया हुआ था, ये देखिए.
जो कुत्ता था वो हिल भी नहीं सकता था कि ताकि उसमें किसी भी और तरीके की जो इफेक्ट होते हैं वो ना पड़े, इसलिए उसको पूरी एक इंस्ट्रूमेंट में इस तरीके से सेट किया गया था, उसको बांधा गया था ताकि वो मूवमेंट ना कर सके। उसके मुंह में जितनी भी सलाइवा निकलता था, जो लार निकलती थी, उसको इकट्ठा करने के लिए उसके मुंह में एक पाइप लगा हुआ था, और उस पाइप से उसका जो सलाइवा है वो निकल के नीचे आता था और एक बॉक्स में इकट्ठा हो जाता था, जहां पे वो बॉक्स में उसका मेजरमेंट होता था कि कितना सलाइवा उसका सलाइवेट हुआ है, कितनी लार उसकी निकली है। ठीक है, तो उस कुत्ते को उन्होंने भूखा भी रखा था, क्योंकि भूखा होगा तभी वो उस एक्सपेरिमेंट को सफल तरीके से कर पाएंगे। उसको जो खाना देंगे उसका सलाइवा निकलेगा, तभी निकलेगा जब वो भूखा होगा। अगर भूखा नहीं होगा तो उसको खाने देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको भूखा भी रखा गया था। तो पैवलोव ने क्या किया, पैवलोव ने देखा कि क्या खाना देने से, अगर मान लीजिए आप भूखे होते हैं तो आपको खाना अगर दिखता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, या आपको कोई बड़ी स्वादिष्ट चीज दिखती है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। अगर आप भूखे नहीं होते तो उतना ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। तो पैवलोव ने देखा कि खाना देख के तो कुत्ते के मुंह में लार स्राव होता है या सलाइवेशन होता है, तो क्या अगर कोई और स्टिमुलस उसको दे दिया जाए साथ में, और उसको खाने के साथ कंडीशन किया जाए, उसके अनुबंधन बना दिया जाए, उनके बीच में एसोसिएशन बना दिया जाए, तो क्या उस स्टिमुलस को देख के भी कुत्ता लासराव करने लग जाएगा? क्या उसको देखकर भी उसका सलाइवेशन हो जाएगा? ये पैवलोव के मन में ये क्वेश्चन था, तो उसको उन्होंने इस तरीके से पूरा किया। और पैवलोव क्या करते थे, नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। तो देखिए, पैवलोव ने पहले एक, जो पैवलोव की थ्योरी है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उनको आपको समझना जरूरी है। एक तो यूज होता है नेचुरल स्टिमुलस, जिसको हम एनएस बोलते हैं। उसके अलावा एक होता है यूसीएस, जिसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। एक होता है यूसीआर, जिसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। एक होता है सीएस, जिसको हम कंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। एक होता है सीआर, जिसको हम कंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं नॉर्मली, अब इसको एक्सपेरिमेंट से समझेंगे तो देखेंगे कि जैसे ही आप घंटी बजाएंगे ना, अगर कुत्ता भूखा है, कुत्ते के लिए आप घंटी बजा देंगे, तो क्या कुत्ता सलाइवेशन करेगा, लार स्राव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि घंटी से उसका खाना सलाइवेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसको खाना देंगे तो वो लार स्राव करेगा। तो ऐसा स्टिमुलस जो बिना किसी कंडीशनिंग के रिस्पॉन्स को उत्पन्न करता है वो होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, तो वो हो गया यूसीएस। अब वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स से जो रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है, मतलब सलाइवेशन हो रहा है, उसको कह दिया यूसीआर। अब उन्होंने क्या किया, पैवलोव ने क्या किया, उस अनकंडीशनल स्टिमुलस से पहले घंटी बजानी शुरू करी। ठीक है, पहले घंटी बजती थी, उसके बाद खाना आता था, उसके बाद खाना देख के कुत्ते को सलाइवेशन या लार स्राव हो जाता था। तो जब तक कि घंटी से रिस्पॉन्स नहीं उत्पन्न होता, तब तक उसको हम नेचुरल स्टिमुलस या न्यूट्रल स्टिमुलस बोलते हैं, सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलस ही बोलते हैं। और जब बहुत सारे रिपीटेड एक्सपोजर इस तरह से दिए गए आफ्टर कंडीशनिंग, मतलब बहुत सारे बार ये ट्रायल किया गया, घंटी बजी खाना आया लार स्राव हुआ, घंटी बजी खाना आया लार स्राव हुआ, ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल्स रिपीट किए गए, तो जब कंडीशनिंग हो गई तब क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजी तो कुत्ते ने अपना सलाइवेशन कर दिया या लार स्राव कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसको पता चल गया कि जैसे ही घंटी बजती है उसके बाद खाना आता है, और खाना तो उसको जब भूख लगी तो घंटी बजते उसको पता चल गया, अरे अब खाना आएगा, तो उसके मुंह से खुद ही सलाइवेशन हो गया। तो ये हो गया, इनके बीच में एसोसिएशन बन गया, किसके बीच में, घंटी और खाने के बीच में। इसलिए जो घंटी है वो क्या बन गया, कंडीशनल स्टिमुलस बन गया इनकी, उसको सीएस बोल दिया गया, और उससे निकलने वाला जो सलाइवेशन है उसको सीआर यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स बोल दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल नॉर्मल, अगर हम यहाँ से एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चा जैसे अगर उसको बिजली चमकती है ना, हमारे मतलब बिजली चमकती है फिर थंडर की आवाज आती है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि अगर हमेशा बार बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो लाइटनिंग देखता है, तो उसके बाद उसको थंडर की आवाज सुनाई देती है, तो उसको डर लगता है, मतलब कानों को बंद कर लेता है, अरे बहुत जोर से बिजली कड़की। तो बार बार जब वो बच्चा ऐसा देखता है तो लाइट देखते ही उसको समझ में आ जाता है, अच्छा इसके बाद थंडर होगा, इसके बाद जोर से बिजली कड़केगी, तो वो पहले ही अपने कानों को बंद कर देता है। तो ये एक तरीके से नेचुरल कंडीशनिंग बच्चे की वहां पे देखते देखते हो गई। तो ये था पेवलोव का एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा इसको नहीं समझते हैं। इसी तरीके से एल्बर्ट ए वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट नाम के बच्चे पे, ये भी बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं बताना चाहूंगी आपको। तो वॉटसन ने क्या देखा था कि क्या हम डर को भी सिखा सकते हैं इस तरीके से, क्या डरना भी सीखा जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा लिया, वो बच्चा था छोटा सा, उसको चूहे को देख के कोई डर नहीं लगता था, व्हाइट चूहा उसको दिखाया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, चूहा दिखाते ही हथौड़े से जोर से आवाज करनी शुरू कर दी। तो क्या होता था, ऐसे ही रिपीटेड रिपीटेड उन्होंने किया, चूहा दिखाया, पहले चूहे से कोई डर नहीं था बच्चे के अंदर, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, चूहा दिखाया, उसके साथ हथौड़े की आवाज करी,
फिर चूहा दिखाया, फिर हथौड़े की आवाज करी, तो बच्चे को डर लगने लगता था कि चूहा आता है, उसके बाद हथौड़े की आवाज होती है, तो उसको वो रोने लग जाता था, डर जाता था। तो इस तरीके से जब रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हुए तो उसके बाद क्या देखा गया, चूहे को देखते ही बच्चा रोने लग गया, क्योंकि उसके मन में एक एसोसिएशन बैठ गया था कि चूहे के बाद कुछ खतरनाक सी आवाज होती है, डरावनी सी, जिससे उसको डर लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको फियर लर्निंग करवाई। तो ये लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है। हालांकि फिर इसमें कुछ विवाद हुआ, उसके बाद पावलोव जो है इस पर लर्निंग का भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि क्या जिस तरह से हमने डर को सिखाया है उस तरीके से डर को हटाया भी जा सकता है, उसकी अनलर्निंग भी की जा सकती है। बट शायद वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद एसोसिएशन लर्निंग आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है दूसरी क्लासिकल लर्निंग के बाद। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो स्किनर ने दी थी, स्किनर उसमें प्रसिद्ध माने जाते हैं। थॉर्नडाइक के नियम को फिर उन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत दिए थे। तो स्किनर ने ये माना था कि हमेशा कंडीशनिंग से लर्निंग नहीं होती है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं और उसका हमें कुछ फल मिलता है, उसका कॉन्सिक्वेंस हमें मिलता है, और अगर वो कॉन्सिक्वेंस अच्छा होता है तो हम उस व्यवहार को बार बार करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम उसको करना सीख जाते हैं, और अगर वो कॉन्सिक्वेंस बुरा होता है, उसका प्रतिफल बुरा होता है, तो हम उस व्यवहार को नहीं करना सीख जाते हैं। तो बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो हमें बताता है कि हम उस व्यवहार को करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है नॉर्मली ये कहती है, जिसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि बच्चा जो है दो तरीके से बिस्किट मांगता है। मान लीजिए एक बार उसने प्लीज कहा तो उसको बिस्किट मिल गया, एक बार उसने चिल्लाया कि मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, जोर जोर से उसने चिल्लाया तो उसको डांट पड़ी कि क्यों इस तरीके से चिल्ला रहे हो। तो बच्चे को पता चला कि अगर मैं प्लीज कहूंगा तो मुझे आराम से बिस्किट मिल जाता है, तो उसने कॉन्सिक्वेंस के बेस पे उसको सीख लिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, ये पनिशमेंट और जो रिवॉर्ड है उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है कि रिवॉर्ड कैसे काम करता है, पनिशमेंट कैसे काम करता है, दोनों की अपनी क्या जरूरतें हैं। और पनिशमेंट भी दो तरीके होते हैं और रिवॉर्ड भी दो तरीके, या रिइंफोर्समेंट भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, और पनिशमेंट भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, और ये काफी लंबी थ्योरी है, काफी डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। और ये इसमें सबसे जरूरी होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप रिइंफोर्समेंट देंगे और सही चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। हमें ये देखना होता है कि जो हम दे रहे हैं बच्चे को, जिसको हम रिइंफोर्समेंट समझ रहे हैं, वही रिइंफोर्समेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इन्फोर्समेंट नहीं है उसके लिए, या फिर जिस चीज को हम पनिशमेंट समझ रहे हैं क्या वो बच्चे के लिए पनिशमेंट ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे के लिए रिवॉर्ड का काम कर रहा है, बच्चे के लिए इन्फोर्समेंट का काम कर रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के इन चीजों को फॉलो करना होता है। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आती है ट्रायल एंड एरर की लर्निंग थ्योरी, जो है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड लर्निंग मेथड को काफी लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट बताया था, और जो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड है, ट्रायल एंड एरर मेथड पे ही बेस्ड है, यानी कि थॉर्नडाइक के नियम पे बेस्ड है वो। इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है, इस थ्योरी को ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने ये बोला था कि हम किसी भी चीज को तब सीखते हैं कि जब हम बार बार ट्रायल करते हैं, ट्रायल से हमारी कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों में फिर हम सुधार करके फिर ट्राई करते हैं, और इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या है सीख जाते हैं इन चीजों को करना। ठीक है, तो इसमें उन्होंने दो तीन चीजों को बताया। एक इन्होंने बोला, अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड अ नंबर ऑफ एरर बिफोर करेक्ट बिहेवियर इज लर्न। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं हमारे काम में और कुछ नंबर ऑफ एरर्स होते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि मोटिवेशन जरूरी होता है, कि हमारे पास कोई गोल होना चाहिए जिसके लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, तभी वो लर्निंग होगी। उसके अलावा उन्होंने एक्सप्लोरेशन को इम्पोर्टेंट बताया। एक्सप्लोरेशन करना मतलब बहुत सारे चीजों को एक्सप्लोर करना, मतलब जैसे होता क्या है ना कि आप कोई गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अलग अलग तरीकों को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा ऐसे करते हैं, चलो ऐसा करके देखते हैं, हुआ नहीं हुआ, चलो अब ऐसा करके देखते हैं, हुआ नहीं हुआ, चलो अब ऐसा करके देखते हैं, हुआ नहीं हुआ। तो आपने डिफरेंट मेथड को एक्सप्लोर किया, तो एक्सप्लोर करने के बाद आप रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, देन उन्होंने रिवॉर्ड के बारे में बताया था कि रिवॉर्ड भी कितना जरूरी होता है। कई बार जब आप करेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं और आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप बेहतर तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने चूहों पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी उन्होंने देखा था कि जब सही काम करने पर उनको रिवॉर्ड दिया जाता था तो वो मोटिवेट होते थे। तो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये है कि हम ट्राई करते हैं, एरर करते हैं, उसके बाद हमें लर्निंग होती है। इसके बेसिस पे हाँ, ये जो बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट है, ये कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने, कि एक लीवर होता था
और बाहर से खाना रखा होता था, तो जो बिल्ली थी उसको भूखा रखा गया था, उसको एक पिंजड़े के अंदर बंद किया गया था। तो क्या होता था, बिजली को बिल्ली को पता नहीं था कि इस रूम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर एक लीवर है जिसको प्रेस करने से दरवाजा खुल जाता है और उसको खाना मिल जाता है। तो बिल्ली पहले घूमती रही इधर उधर, भूख के मारे वो इधर उधर घूमती रहती थी बॉक्स के अंदर। एक बार अचानक से उसका हाथ उस लीवर पर पड़ गया तो उसका दरवाजा खुला और उसने खाना खा लिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो भूखी रखी गई वहां पे, तो उसने दोबारा से हाथ पैर मारे इधर उधर किया, तो कहीं से अचानक से उसका हाथ लीवर पे पड़ गया और दरवाजा खुला और उसको खाना मिल गया। इस तरीके से कुछ ट्राई करने के बाद बिल्ली को लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ होता है, जिसको मैं ऐसे से हाथ पैर मारती हूँ तो यहाँ पे कुछ दबने से दरवाजा खुल जाता है। तो उसने ट्राई एरर करते हुए देखा कि कुछ टाइम बाद उसको पता चल गया कि यहीं पे मार के दरवाजा खुलता है, तो उसने लीवर प्रेस करना सीख लिया। तो ट्रायल एरर करके उसने ये चीज सीख ली थी। इसके बेसिस पे थॉर्नडाइक ने अपने 3 नियम दिए थे, थॉर्नडाइक की 3 लॉज ऑफ लर्निंग या प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं उसको। इसमें एक था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम। एक्सरसाइज का नियम ये कहता है कि हम किसी चीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हमारी उसकी लर्निंग हो जाएगी। लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहती है कि हम जिस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं, वो काम हम जल्दी सीख जाते हैं। अगर हमारे अंदर किसी काम को लेकर तत्परता नहीं है, रेडीनेस नहीं है, तो उसको हम सीखते नहीं है, बल्कि उसके प्रति हमारे मन में एक खीज उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि आप वर्कशॉप अटेंड करने आ रहे हैं, अगर आपकी रेडीनेस नहीं है सीखने को लेकर या प्रैक्टिकल को सीखने को लेकर, तो आप क्या होगा, आपके मन में बेचैनी होगी कि अरे क्लास कब खत्म होगी, कब तक पढ़ाएंगे, कब तक बोर करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल सीखने का मन है या आपको अच्छे से तरीके से पढ़ने का मन है, तो आप शायद अच्छे तरीके से उस चीज को जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि जैसे कॉन्सिक्वेंस वाली थ्योरी थी वही है ये, कि जो इफेक्ट होगा हमारे व्यवहार का, जो परिणाम हमें मिलेगा, उसके आधार पे हमारी लर्निंग डिसाइड होगी। कि बेहतर परिणाम होगा तो हम जल्दी लर्निंग करेंगे, अच्छा परिणाम नहीं होगा तो हम अच्छे जल्दी लर्निंग नहीं करेंगे। तो ये हो गई थॉर्नडाइक की थ्योरी। ठीक है, ऐसे एक कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव थ्योरी अभी यहाँ पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबी थ्योरी है। फिर इनसाइड थ्योरी कोहलर की थ्योरी है, जिसमें वो कहते हैं कि लर्निंग सूझ से उत्पन्न होती है। जब हम बहुत हमें परेशान होते हैं तो अचानक से हमारे दिमाग में कुछ इनसाइड डेवलप होती है कि अच्छा ऐसा करने से ठीक ऐसा हो जाएगा, और अचानक से वो इनसाइड जो है हमें लर्निंग करा देती है किसी चीज की। इसका जो एक एक्सपेरिमेंट है वो काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसको बस थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि आप एज अ साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोहलर जो थे, कोहलर नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने चिंपैंजी पे, या सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने 2 कंडीशन रखी थी अपने एक्सपेरिमेंट में। एक में उन्होंने स्टिक एक्सपेरिमेंट एक को बोला जाता है और एक को बॉक्स एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। चिंपैंजी को उन्होंने एक पिंजड़े के अंदर बंद किया और उसको भूखा रखा। उसके बाद एक केला जो उसका फेवरेट होता है वो बाहर रख दिया उन्होंने, ठीक है, उसके रीच से बाहर रखा कि वो हाथ डाल के उसको निकाल ना सके। और उसके सामने 2 छड़ियां रख दी। वो छड़ी ऐसी थी कि उनको आपस में जोड़ा जा सकता था, वो आपस में जुड़ती थी और जुड़ के वो बड़ी बन जाती थी, या कुछ इस तरीके से बन जाती थी कि उससे वो निकाला जा सके, केला निकाला जा सके बाहर से खींच के। तो चिंपैंजी जो था पहले तो केले को देखता रहा, काफी टाइम तक परेशान रहा, इधर उधर करता रहा, केले में हाथ डाल के निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। लेकिन अचानक से उसके पता नहीं उसके मन में कुछ आया कि वो डंडे को उठा के यूज करने लगा। फिर उसके बाद उसने मतलब इनसाइड एकदम से उसके अंदर ऐसी डेवलप हुई कि उसने उनको ज्वाइन किया और उसके बाद उसने उनको निकाल दिया। तो इनसाइड लर्निंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे देखा गया। और उसके अलावा एक यहाँ पे एक और जो आप देख रहे हैं बॉक्स एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या हुआ था, उसको एक रूम में बंद किया गया था और वहां पे अलग अलग 3 बॉक्सेस रख दिए गए थे, और छत में ऊंचाई पे जहाँ पे चिंपैंजी ऐसे नहीं पहुंच सकता था उछल कूद के, वहां पे एक केले को टांग दिया गया था। ठीक है, तो चिंपैंजी भूखा था, उसने ऊपर केला देखा, उछला कूदा, नहीं मिला उसको, फिर वो बैठ गया ऐसे किनारे पे। अचानक से उसके मन में कुछ इंसाइट आई कि कुछ डब्बों से कुछ किया जा सकता है, तो उसने डब्बे एक के ऊपर एक रखे और ऊपर चढ़ा और उसने केला निकाल लिया। तो इनसाइड थ्योरी का एक्सपेरिमेंट ये कोहलर का काफी फेमस है। तो ये लर्निंग के कुछ एक्सपेरिमेंट थे, लर्निंग की थ्योरीज पे बेस्ड। वो आपने जाना लर्निंग क्या होती है, वो आपने जान लिया, टाइप्स ऑफ लर्निंग आपने जान लिया। यहाँ पे जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसका यूज हम आज के प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। ठीक है, शहनवाज जी को नींद भी आने लग गई है काफी बोरिंग हो गया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया लर्निंग का ये सब थ्योरीज वगैरह? यस मैम।
तो हम प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, मेन जो चीज है हमारी वहाँ पे आज के प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। ये तो अभी बेसिक ही था। अब आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो इस इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है, जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। जो हमने जो इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पे अवेलेबल था वो यूज किया है, वो ये वाला है जो मैंने आपको वीडियो में भी भेजा था। बट कुछ जो मेज लर्निंग का जो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ज्यादातर ये यूज होता है, ये वाला बॉक्स जो आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, पहले मैं आप इसका ब्रीफ कर देती हूँ आपको थोड़ा सा। इसमें एक जो ये वायर लगा है, इसमें एक पेन टाइप की लगी होती है जिसको स्टाइलस बोलते हैं, उसको पेन नहीं बोलना चाहिए। कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि किस क्या यूज होता है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टाइलस यूज होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि कुछ पेन जैसा यूज होता है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने ढंग से वो चीज नहीं पढ़ी है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टाइलस यूज होता है वहाँ पे। और ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको वायर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें लाइट जलनी शुरू होती है। एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। इस वाले प्रैक्टिकल में क्या होता है, इस वाले उसमें कि आपको स्टाइलस दिया जाता है और आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। आपके पास एक स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में स्टॉप वॉच यूज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। एक जगह से आपका बटन है, इसको आपको रिसेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक जगह का जो बटन है वो आपका स्टार्ट और ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉप वॉच यूज होती है। अब हमें क्या करना होता है, पहले अपना जो एक्सपेरिमेंट जो सब्जेक्ट है आपका, उसको सारे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि आपको, आप उसके साथ रेपो बिल्डअप करते हैं। रेपो बिल्डअप करने के लिए, जब तक आप उसके साथ रेपो बिल्डअप नहीं करेंगे वो तो राजी नहीं होगा, बोलेगा मुझे क्या मिलने वाला है इसको करके, मेरे पे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। लेकिन अगर आपने रेपो बिल्डअप कर ली तो आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा अच्छे मूड से आपके एक्सपेरिमेंट में आने के लिए राजी होगा। रेपो बिल्डअप करने के बाद आप उसे सारे मेथड समझाओगे, ये नहीं बताओगे कि हम आपका ये मेजर कर रहे हैं, मतलब उसको इंटेंशन नहीं बताना है, फाइनल इंटेंशन नहीं बताना है कि आप कितनी बार एरर कर रहे हो, कितना ये कर रहे हो, ऐसा मेजर करोगे, ये नहीं बताना है। ऐसा बता देंगे तो शायद वो बायस हो जाएगा, लेकिन हम उसको एक बेसिक ये बताएंगे कि आपको हम ये देंगे और आप इसको ये स्टार्ट एंड से चलते हुए एंड तक पहुंचना है, रास्ता अपना ढूंढते हुए चलना है, और इस तरह से आपको बहुत सारे प्रयास कराए जाएंगे और आपको इसमें हमारा सपोर्ट करना है। इस तरीके से आपको उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो इस वाले मेज में क्या होता है, जो आप देख रहे हैं बहुत सारे स्क्रू बने हैं, इसमें से कुछ स्क्रू ऐसा होते हैं जिनसे मिलकर रास्ता बनता है स्टार्ट से एंड तक जाने का, और कुछ स्क्रू ऐसे होते हैं जहां पे अगर आप टच करेंगे तो रेड बल्ब लगा होता है यहाँ पे, वो जल जाता है जो कि आपके एरर्स को शो करता है। तो प्रयोज जो होता है, आपका सब्जेक्ट जो होता है, वो यहाँ से स्टाइलस रखता है, आप स्टार्ट बोलते हैं, स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं, वो एक पे रखता है, दूसरे पे रखता है, तीसरे पे रखता है, वहां पे बल्ब जल गया तो उसको रुक जाना होता है, अब वहां से आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, नहीं आगे नहीं बढ़ सकता और जंप भी नहीं कर सकता, या तो पीछे आएगा या तो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा। इस तरीके से अगर राइट जाने में फिर बल्ब जल गया तो फिर एक और एरर हो गया, तो उसको फिर लेफ्ट को जाना होगा, फिर लेफ्ट जाके अगर सही हो गया तो वहां से वो आगे को बढ़ जाएगा, फिर जैसे ही बल्ब जलेगा फिर वो जंप नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, या तो उसको पीछे आना होगा या तो उसको लेफ्ट जाना होगा या तो राइट जाना होगा। तो इस तरीके से उसको यहाँ पे रास्ता अपना ढूंढना होता है। तो इस वाले प्रैक्टिकल में ट्रायल ज्यादा लगते हैं, क्योंकि आपको एक बार में रास्ता याद नहीं होता, आप धीरे धीरे ट्राई करते हैं, फिर ऐसे करते करते आप दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, और लास्ट तक आते आते आपको रास्ता याद हो जाता है कि अच्छा यहाँ से चलना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। लेकिन ये वाला जो मेज है ये थोड़ा सिंपल मेज है, इसमें रास्ता बना हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें रास्ता खुद बना हुआ है। इसमें एरर कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे टच होने पे, यानी कि आप जब स्पीड से काम करने लगते हैं तो स्पीड से करने में आपका जल्दी जल्दी में कभी इधर टच हो जाता है, कभी इधर टच हो जाता है, तो आपका रेड बल्ब जल जाता है और वो आपके एरर्स को पॉइंट आउट करता है। अब आपको सिर्फ ये करना है यहाँ पे कि आपको इसी तरीके से मैंने बोला कि इंस्ट्रक्शन देने हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको एक एक करके, जैसे आपने फर्स्ट ट्राई में बोला, मैं आपको निर्देश दिया कि मैं आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट रख रहा हूँ, आपको स्टार्ट का निर्देश दिया जाएगा, और जैसे ही आपको स्टार्ट बोला जाएगा आप पहले आपको रेडी बोला जाएगा, रेडी के टाइम पे आप रेडी हो जाएं, फिर आपको स्टार्ट बोला जाएगा तो आप स्टार्ट कर दें, और स्टार्ट करने पे आपको स्टार्ट से चलते हुए एंड तक पहुंचना है। जैसे ही मैं आप वो स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपको स्टॉप वॉच भी ऑन करनी है, और जैसे ही वो एंड पे आते हैं वैसे ही आपको स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है। तो आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है, नेक्स्ट पेज में आपकी एक रिस्पॉन्स शीट मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने आपको भेजी थी। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये रिस्पॉन्स शीट बनी हुई है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायल नंबर, ट्रायल आपके 20 दिए हुए हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में आपको टाइम नोट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है एरर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने पहला ट्रायल लिया,
पहले ट्रायल में आपने रेडी बोला, रेडी के बाद आपने स्टार्ट बोला, स्टार्ट बोलते ही आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद वो जैसे रास्ते में चलता रहा तो आप एरर्स को नोट कर देंगे, एक बार रेड बल्ब जला एक एरर, दो बार रेड बल्ब जला दो एरर, तीन बार रेड बल्ब जला तीन एरर, ठीक है। ऐसे करते करते मान लो तीन एरर हुए पहले में, उसने यहाँ पे तीन लिख दिया, और जैसे वो एंड पे पहुंच गया वैसे हमने टाइम को स्टॉप कर दिया और हमने टाइम लिख दिया कि यहाँ पे इतना टाइम हुआ। माना कि उसने एक मिनट में पहला ट्रायल किया और उसने चार एरर किए, तो यहाँ पे एक मिनट को आप 60 सेकंड लिख देंगे और यहाँ पे आप एरर को चार एरर लिख देंगे, जितने भी मिनट हो आपको टाइम सेकंड्स में लिखना है। इस तरह से आप दूसरा ट्रायल करेंगे, इस तरीके से तीसरा ट्रायल करेंगे, चौथा ट्रायल करेंगे, पांचवा ट्रायल, ऐसे ट्राई करते रहेंगे आप, टोटल 20 ट्रायल करेंगे। अभी आप ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अभी नहीं कर पाएंगे, घर पे तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप स्टडी सेंटर वगैरह जाके कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं कर सकते तो हम आपको ये रफ डेटा प्रोवाइड करेंगे जो कि 15 ट्रायल का ही है। आप चाहे तो उसमें कुछ सिमिलर मिलते जुलते कुछ जो ट्रायल्स हैं उनकी वैल्यू को ऐड करके उनको 20 का बना लीजिए डेटा को, और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर लीजिए, या आप चाहे तो उन 15 को ही यूज करके उन 15 के बेसिस पे ही रिजल्ट कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आपको छूट है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेटा कैलकुलेट करना है, ये अपना डेटा आपने निकाल लिया और उसके बाद कैलकुलेशन करना है इस डेटा का। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको ये देखना होता है कि शुरू में उसने कितने एरर किए और शुरू में उसने कितना टाइम लिया, और लास्ट में जब उसने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद लास्ट में उसके एरर और उसके टाइम पे कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है, ये आपको देखना होता है। तो अभी हम इसकी जो प्रॉब्लम है हाइपोथेसिस है उसको डिस्कस करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जो आपका ये वाला जो प्रैक्टिकल है इसमें स्टेप्स सही सेम रहेंगे, जो कल आपको मैम लोगों ने स्टेप्स बताए थे सेम स्टेप्स इसमें भी रहेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप हाइपोथेसिस लिखेंगे, हाइपोथेसिस के बाद आप वेरिएबल्स लिखेंगे, ठीक है। फिर टूल्स हो गया, सब्जेक्ट प्रोफाइल, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा इस प्रैक्टिकल का, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बता दे रही हूँ, आप उसको चाहे तो लिख लीजिए। इसमें आप लिखेंगे प्रयोज के सीखने की क्रिया पर अभ्यास का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। या फिर आप इसको नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं कि प्रयोज की सीखने की क्रिया पर प्रभाव, सीखने अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। प्रयोज की सीखने की क्रिया पर अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करना, अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो हम बोलेंगे टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑन लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से थ्रू मेज लर्निंग भी आप लिख सकते हैं, मेज लर्निंग की सहायता से, ह्यूमन मेज लर्निंग की सहायता से। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ह्यूमन मेज लर्निंग की सहायता से प्रयोज्य के सीखने की क्रिया पर अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करना, इसी को आप इंग्लिश में भी बना लीजिए जो इंग्लिश में करना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन में आप पूरा लर्निंग के बारे में लिखेंगे, लर्निंग की डेफिनेशन हो गई, लर्निंग की थ्योरीज हो गई, लर्निंग की विशेषताएं क्या क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में आप वो परिचय दे दीजिए। ट्रायल एंड एरर लर्निंग को फोकस जरूर कीजिएगा, थॉर्नडाइक के नियम्स को जरूर फोकस करिएगा वहां पे। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम उद्देश्य बना रहे हैं तो हाइपोथेसिस बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा बना रहे हैं, अगर आप देखिए प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस को और ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस को यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाया है कि ह्यूमन मेज लर्निंग की सहायता से या मानव भूल भुलैया की सहायता से प्रयोज के सीखने की क्रिया पर प्रभाव अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करना, तो आप उसकी जो हाइपोथेसिस है वो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि अभ्यास का सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपने बोल दिया कि शायद प्रैक्टिस का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है किस पे, लर्निंग पे। ये आपकी जो पुरानी थ्योरीज हैं ये ऐसी कहती हैं, इसलिए आपने अपने हाइपोथेसिस जो है वो बना ली कि प्रयोजक की सीखने की क्रिया पर अभ्यास का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये आपने उसकी हाइपोथेसिस बना ली। अब वेरिएबल्स जो होते हैं, आपको दो तरह के वेरिएबल, मैम ने दो तीन तीन तरीके के वेरिएबल बताए थे, उसमें से यहाँ पे हम दो तरीके के वेरिएबल लिख रहे हैं। एक हम लिख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा हम लिख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एक हो गया इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट हो गया यानी आश्रित चर। अब आप में से कोई बताएगा कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एनीवन, कोई भी बताइए। क्या बोला आपने? डिपेंडेंट वेरिएबल तो स्टूडेंट हुआ ना?
स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, आप किस चीज को माप रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट में जो हम एरर्स नाप रहे ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल जी जी, जो बोल रहे बोलिए बोलिए पूरा बोलिए। जिस इंस्ट्रूमेंट में नाप रहे हैं उसमें जो कैलकुलेशन करते हैं वो डिपेंडेंट हो गया हमारे पास में, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो जो एरर्स करता है वो इंडिपेंडेंट है। एरर इंडिपेंडेंट होगा? एरर डिपेंडेंट होगा, हमारे पास डिपेंडेंट एरर तो डिपेंडेंट है। एरर तो डिपेंडेंट होगा ना जी जी। दूसरा कौन बोल रहा है बोलिए, अभी किसी ने इंटरप्ट करके बोला है वो बोलिए। डिपेंडेंट तो खत्म हो गया पर इंडिपेंडेंट में जो हम लोग मीन बता रहे हैं ना उसका। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा बोलेंगे? हाँ, डिपेंडेंट तो एरर हो गया, एरर डिपेंडेंट है। हाँ हाँ ठीक हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन करके निकालते हैं मीन, वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जी हम यहाँ पे ऐसे मीन को तो नहीं लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, बट हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो भूल भुलैया का हमारा रास्ता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रखते हैं। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन मेज लर्निंग का जो रास्ता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रखते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल में हम रखते हैं जो एरर्स उसने किए हैं या टाइम जो उसने लिया है, क्योंकि वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, वो उसके ऊपर निर्भर है, प्रयोजी के ऊपर। ठीक है जी मैम, जी मैम। हाँ तो ये हो गया आपके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बाद आपके टूल्स आते हैं। टूल्स में आप नॉर्मली जो ये वाली स्लाइड है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ह्यूमन मेज जो अपैरेटस है वो आपका हो जाएगा, पेपर एंड पेंसिल हो जाएगा, मैनुअल हो जाएगा, रिस्पॉन्स शीट हो जाएगा, उसके साथ स्टॉप वॉच हो जाएगा, ये आपका टूल्स में आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्रोफाइल, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पे करेंगे अपना, तो उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसकी एज लिखेंगे, उसका जो जेंडर है लिंग लिखेंगे, उसके अलावा उसकी ऑक्यूपेशन वगैरह लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी आप लिखना चाहिए, उसकी प्रोफाइल आ गया। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल लगभग हर साइकोलॉजी का जो भी आप प्रैक्टिकल करेंगे उसमें जो कंट्रोल होते हैं वो लगभग सेम से होते हैं। कंट्रोल में क्या क्या लिखा जाता है या क्या क्या चीजें रखी जा सकती हैं, कोई एनीवन जो भी कोई बताना चाहेगा? मैम प्रकाश चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी। हाँ हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हैं कि आप प्रकाश की सही व्यवस्था की, प्रयोजी के बैठने की सही व्यवस्था की, मतलब मैम उसका वो एटमॉस्फेयर, वो एरिया, वो सराउंडिंग, लाइटनिंग, वेंटिलेशन। हाँ जी 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 ठीक है, उनके साथ सही से जो है रेपो बिल्डिंग करी, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाया, प्रकाश की सही व्यवस्था की, उनके बैठने की सही व्यवस्था की, उनको सारे इंस्ट्रक्शन सारे सही तरीके से दिए गए। ठीक है, वहां पे नॉइस कंट्रोल रखा गया, ये सब जो चीजें हैं ये सब आप कंट्रोल में लिख देंगे, उसको पॉइंट्स में लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर है। फिर आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन में आप पूरा प्रॉपर तरीके से ये बताते हैं कि हमने प्रयोजी को बताया कि आपको आपसे ये जो अपैरेटस है इसके थ्रू कुछ ट्रायल कराए जाएंगे, उसमें आपको पहले रेडी का संकेत दिया जाएगा, रेडी बोलते ही आप रेडी हो जाएं, उसके बाद आपको स्टार्ट बोला जाएगा, स्टार्ट बोलते ही आपको इस स्टार्ट से चलना प्रारंभ कर देना है और एंड तक आपको रास्ता ढूंढना है, और जैसे ही इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आप पूरे लिख देंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद प्रोसीजर में आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इंस्ट्रक्शन में आप ये नहीं लिखेंगे कि हमने टाइम नोट किया ये वो ये सब चीजें, प्रोसीजर में आप वो भी लिख देंगे कि हमने जैसे ही उसने स्टार्ट किया वैसे ही हमने टाइम नोट करना शुरू कर दिया, जैसे ही एंड पे आया हमने स्टॉपवॉच बंद कर दी, इस तरीके से हमने कुल 20 प्रयास किए और 20 प्रयास के बाद हमने डेटा का कैलकुलेशन किया, डेटा कलेक्ट किया, उसको टेबल में प्रदर्शित किया, और उसके बाद आप टेबल वहां पे शो करेंगे कि हमने जो टेबल में डेटा शो किया। ठीक है, उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या इस शीट को प्रिंट आउट निकाल के उसको वहां पे पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे करना चाहिए या जहाँ पे भी करना चाहते हैं। ठीक है, फिर डेटा को आप एनालाइज करेंगे, तो डेटा का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है कि आप मीन निकालेंगे, मैं आपको एग्जांपल डेटा दिखा देती हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट। ये जो एक एग्जाम्पल रफ डेटा है यहाँ पे, ये डेटा है, इसमें हमने 15 ट्रायल कर रखे हैं, 15 ट्रायल कर रखे हैं इस वाले मेज पे, जो सिंपल वाला मेज है, इसलिए इसमें एरर्स कम हुई है और टाइम भी कम हुआ है। कॉम्प्लेक्स मेज पे आप करते हैं तो एरर थोड़ी ज्यादा आती हैं, टाइम भी थोड़ा ज्यादा आता है उस पे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ट्रायल है 03 एरर हुई है और उसके बाद 13 सेकंड के आसपास का समय लिया है, ऐसी जो 15 ट्रायल है उसमें आते आते एरर जो है वो 1 पे रिड्यूस हो गई है और 6 सेकंड में या 6 से 7 सेकंड में उसने वो कवर कर लिया। तो हमने क्या निकाला, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ट्रायल ऑफ टाइम, टाइम का भी फर्स्ट 3 का मीन निकाल लिया और लास्ट 3 का टाइम का मीन निकाल लिया, वैसे ही एरर में फर्स्ट 3 टाइम का एरर का मीन निकाल लिया। हाँ कोई यहाँ पे एनोटेशन कर रहा है, ठीक है।
और एरर का भी हमने दोनों में मीन निकाल लिया। अगर आप 20 ट्रायल लेते हैं तो आप 3 स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, एक शुरू का निकाल लीजिए, एक मिड का निकाल लीजिए, एक लास्ट का निकाल लीजिए। यहाँ पे 15 ही ट्रायल थे तो हमने लास्ट शुरू के 3 निकाल लिए, लास्ट के 3 निकाल लिए, तो आप शुरू के और लास्ट के 3 भी निकाल के कर सकते हैं और मिड का भी चाहे तो आप मिड का भी निकाल के कर सकते हैं। उसके बेसिस पे फिर हम एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायल लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम टेकन लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे शुरू में टाइम टेकन ज्यादा है, धीरे 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 करके टाइम टेकन कम हुआ है। इसी तरीके से आप एरर का भी ग्राफ बना सकते हैं, दोनों को आप साथ भी बना सकते हैं या दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ भी यूज कर सकते हैं। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, आप अलग अलग ग्राफ में दोनों को बना लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक साथ छोटे छोटे बनेंगे तो आप बड़े बड़े से अगर बनाना चाहें तो एक में आप टाइम टेकन और एक में आप एरर्स का बना लीजिए, तो दोनों के ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आएंगे, शुरू में ज्यादा उसके बाद कम। ठीक है, ये आप ग्राफ भी बना देंगे। उसके बाद आप परिणाम लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, तो रिजल्ट में जिस तरह जैसे यहाँ पर लिखा गया है, प्रथम 3 प्रयासों का मध्यमान इतना निकल के आया, अंतिम 3 प्रयासों का मध्यमान इतना निकल के आया, लास्ट 3 का मीन इतना निकल के आया, एरर्स का फर्स्ट 3 एरर्स का मीन इतना निकल कर आया, लास्ट 3 एरर्स का मीन इतना निकल के आया। इस तरीके से आपने परिणाम को शो कर दिया। ठीक है, परिणाम शो करने के बाद आप उसको डेटा को एनालाइज करेंगे और उसकी व्याख्या लिखेंगे, यानी कंक्लूजन लिखेंगे, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक दिखाया हुआ है, लेकिन फिलहाल अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे और इसके बाद आप चाहें तो कुछ थ्योरीज का रेफरेंस दे सकते हैं लास्ट में कि इस थ्योरी में भी ऐसा ऐसा कहा गया है, तो इस प्रकार से जो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सही सिद्ध होती है या उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से आप इसको व्याख्या कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जो कंक्लूजन है वो लिख सकते हैं कि कंक्लूजन में आप यही शो करेंगे कि शुरू में हमारा जो मीन था टाइम का वो भी कम आया था, और एरर्स में हमारे शुरू का मीन था वो सॉरी ज्यादा आया था, शेयर स्क्रीन को ऑफ करने जब पड़ेंगे। हमने प्रयास किए और अच्छे ये कर दे रहे हैं मैम। हाँ जी, आप अपना माइक ऑफ रखिए, बाकी लोग अगर आपको कोई क्वेरी है तो नहीं इसका तो नहीं हुआ। ठीक है, तो आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स, आपके रिपीटेड ट्रायल करने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे कि अंत के जो प्रयास थे उसमें मध्यमान जो था समय का भी कम हो गया और उसके अलावा एरर्स का मध्यमान भी कम हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये देखने को मिल रहा है कि अभ्यास करने से त्रुटियों में भी कमी होती है और समय में भी कमी होती है, यानी प्रैक्टिस से आपकी एरर्स भी कम होती हैं, आपका टाइम भी कम होता है। इसका मतलब प्रैक्टिस से आपकी जो लर्निंग है वो क्या हुई है, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है प्रैक्टिस का, आपकी जो लर्निंग थी उसमें जो प्रैक्टिस है उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, और यही आपकी हाइपोथेसिस भी थी कि सीखने की प्रक्रिया पर अभ्यास का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वही आपकी यहाँ पे चीजें जो है वो क्लियर हो गई है, मतलब एक्सेप्ट हो गई है आपकी हाइपोथेसिस। सो आपने अपनी हाइपोथेसिस को या परिकल्पना को स्वीकार कर लिया यहाँ पे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उसको, या वो सही सिद्ध हो गई एक तरीके से। देन आप रेफरेंस दे दीजिएगा, और यहाँ पे भी आप रेफरेंस डाल सकते हैं अपनी थ्योरीज का, या फर्दर कोई स्टडी आप रेफरेंस में देना चाहें तो वो दे सकते हैं, बाकी आप लास्ट में रेफरेंस लिख सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल प्रैक्टिकल है।